आज फाइनली हम लोग इधर पहुंच गए। अभी पाइनएप्पल टी क्या है वो देखने के लिए आ चुके हैं। देखते हैं अभी कुणाल भाई के साथ और राहुल भाई के साथ। चलो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया अपने घर में ब्लू वाली चाय का। इससे पहले मैं गया था डेढ़ साल पहले तुर्किस्तान में। वहाँ पे पाइनएप्पल टी नहीं थी, फ्रूट टी थी। वहाँ पे बहुत सारी टी बनाते थे, लेकिन वहाँ से पता चला कि ये फ्रूट टी का जो आइडिया है वो हिंदुस्तान का ही। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अंधेरी में एक बार पाइनएप्पल टी भी किया था। और फिर उसके बाद एक मैंने मीरा रोड में भी किया। तो फिर वो लोग झंझीरा खाली डालते थे तो वो दे देते, तो जैसे इसको थोड़ा इन्वेंट किया जाए। और मैंने अपने लुकमान हकीम साहब है गुजरात से, उनके से ही गली मुखिया बना सामने यहाँ पे दिखाया भी। वही सब चीज़ें दिलवा के थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट की। अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा है, तो आयुर्वेदिक हाँ ये पूरा आयुर्वेदिक है। उसमें मैंने थोड़ा इन्वेंट ये भी किया कि इसमें मैं सिंपल सी चाय पत्ती भी नहीं डलवाता हूँ, ग्रीन टी भी डलवाता हूँ और ब्लैक टी भी डलवाता हूँ। और हाँ मतलब इसको फिर कश्मीर में गया था तो कश्मीर में कहवा पिया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी कहवा भी चालू करने वाला है और एक आने वाला है। हाँ और दो तीन चाय आने वाला है, मिल्क टी आने वाला है। मिल्क टी में भी हम लोग कुछ वो कर रहे हैं, चल रहा है। ये शूज की दुकान है, शूज की मेरी खुद की फैक्ट्री याद रहा। ओके, अब आपको चाय लेनी हो या शूज लेना हो या जूस कुछ भी आपको लेना हो तो हमारे भाई के दुकान पे आ जाना। तो ये नाला चोपड़ा स्टेशन के बाजू में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, वेस्ट में है, टिकट काउंटर के पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है बस आपके सामने। आपको आना हो तो आ जाना। आप जूस की मतलब एकदम प्योर रहेगा, जूस भी एकदम प्योर और रिजनेबल प्राइस में। अगर चाय पीते हैं अभी हाइजीन भी नहीं रहता है इतना, चाय की एसिडिटी भी होती है, पाइल्स भी होता है, बहुत सारी बीमारियाँ निकलती है। अब पब्लिक चाय तो ₹10 चाय की जगह ₹5 और डाल के जूस से। और हाँ आपने ज़्यादा प्राइस भी नहीं रहता है। हाँ मैंने ₹15 में अधिकतर जो सीजनल जूस रहता है, गाजर बीट हो गया, ये रेगुलर मिलता है, गाजर बीट हो गया, कलिंगर हो गया, पाइनएप्पल हो गया। पाइनएप्पल तो वैसे मुझे लेना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि पाइनएप्पल का जूस, पाइनएप्पल का जूस पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं सोचा कि 15 रुपये में ये भी चालू कर। और चाय भी आपके रिजनेबल है, मतलब 10 रुपये में आपको पाइनएप्पल की कुछ यूनिक चाय मिल रहा है आपको। तो इधर नो शुगर ऑर्गेनिक है पूरा चाय, उसमें हनी मिलता है, वो भी हनी उन्होंने बताया, उन्हें वीडियो में डाल दूंगा नीचे, वो भी देख लेना आप। और जो उनका मतलब बाकी का जो भी यूज करते हैं मसाले से बाकी का जो भी चीज़ सब ऑर्गेनिक है, मतलब हेल्थ एकदम आपका ठीक है, ठीक इम्यूनिटी अच्छी इससे बूस्ट होती है, विटामिन सी मिलता है, फाइबर मिलता है और जिंक भी मिलता है। और बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं लिख कर रखा हूँ ताकि ये बोलने में बहुत वो भी दिखा देना। इससे बहुत सारी और भी सारे फायदे हैं, काफ़ी सारे फायदे। आप हनी भी सेल करते हैं? हाँ हनी भी, हाँ हनी भी सेल करता हूँ, वो भी 150 रुपये, क्योंकि मुझे खुद को वही प्राइस में आ रहा है लगभग 150 रुपये पर के।
और प्योर रहेगा वो हम लोग खुद छज्जा देख के खुद निकालते हैं। आप चाहे तो मैं वीडियो भी आपको दे दूंगा, वो हम लोग खुद ही निकलवाता हूँ, बंदे लोग आते हैं निकालते हैं और निकाल के पर मेरी किताब दे दो, वो एंडिंग में मैं डाल दूंगा वीडियो, वो आप देख लेना वीडियो कैसे निकालते हैं, हाथ से निकालते हो उन्होंने दिखाया था मेरे को वीडियो, वो आप देख लेना। थैंक यू। इसमें क्या क्या रहता है? नींबू रहता है, हम लोग की जो जड़ी बूटी बनी हुई है वो है। ओके। फिर शहद है। ओके। पुदीना है। ओके। सब्जा है। ओ। फिर गंजीरा के साथ में भी कुछ मसाला हम लोग ने डाले हैं वो है। ओके। और फिर पाइनएप्पल। ओके। इसमें ग्रीन टी और ब्लैक टी मिक्स किया हुआ है और थोड़ा सिनेमन डाला हुआ है। ओके। थोड़ा हल्का सा इसमें भी मिठास आए। ओके ओके। इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ, चंगरा भूमि, फिलफिल, ओके, और सफेद मछली, अखरोट, इलायची, बहुत कुछ है। ये अभी पुदीना जा रहा है। हाँ, ये पुदीना। हनी भी बहुत प्योर है ना, हम लोग खुद इसको सब ये हनी को छज्जे से निकलवाते हैं। ओके। मतलब वो मार्केट वाला जो मिक्सअप वाला रहता है वो नहीं है। हनी हम लोग खुद बेचते भी है, 150 रुपए किलो के हिसाब से बेचते भी है। ओके। मार्केट में वो मिलावट मिलावट वाला सब महंगा भी देते हैं। हाँ। वो मतलब कभी नहीं रहता है। ओके। एकदम प्योर है, मैं आपको इसका भी वीडियो में शेयर कर दूंगा। ओके। हम लोग तो छक्के से निकालते हैं ना। हाँ। उसका वीडियो शेयर करूंगा। ओके ओके। चाय तो बनी है,
तो देखते हैं अपन चाय टेस्ट करके कैसा है क्या है। हम लोग इधर आ चुके हैं, चाय तो हमने ले ली है तीनों ने। तो अभी चाय की टेस्ट कैसी है वो अभी चेक करते हैं। ये चाय है ना बहुत सही है, स्मेल तो एकदम मस्त वाला लग रहा है, पी के देखता हूँ। इसमें बहुत फ्लेवरफुल है, पाइनएप्पल का टेस्ट आ रहा है, पाइनएप्पल चाय तो पाइनएप्पल का आएगा ही, तुलसी है, तुलसी का है टेस्ट, तुलसी फ्लेवर है थोड़ा, पुदीना का तो आ रहा ही, पुदीना भी डाला है। और इसमें सब जड़ी बूटी मतलब जो आयुर्वेदिक में जो यूज होता है अश्वगंधा जिस्टी मध, और हाँ इसमें प्योर मध को यूज करते हैं बताया उन्होंने, प्योर हनी वो खुद हनी बनाते हैं, मतलब जो छत्ते से निकाल के वो जो बाकी का जो प्रोसेसिंग रहता है वो सब करके वो हनी निकालते हैं, वो भी ओरिजिनल रहता है हनी। टेस्ट पाइनएप्पल खा रहे सब, मैं भी टेस्ट करता हूँ। तो मतलब इसमें भर भर के पाइनएप्पल डाला, भर भर के पाइनएप्पल है, फ्रूट सलाद की भी जरूरत नहीं, इतना पाइनएप्पल डालते हो गए तो आपको फ्रूट सलाद भी खाना रहेगा और चाय भी पीनी है, तो दोनों मजा एक में। और ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 10 रुपए में चाय, 10 रुपए में खाली चाय, आपको चाय पीना रहेगा 10 रुपए में आप चाय पी सकते हो। ये जो पाइनएप्पल टी न्यू है, यूनिक है कुछ आइडिया, और यूनिटी बूस्टर भी है ये हमारे भाई बता रहे थे, यूनिटी बूस्टर के लिए बूस्टर तो ये भी अच्छा आ सकते। राहुल भाई कैसा लगा चाय? जिंदगी में अब तक पहली बार चाय पिया। आपके आंखों में आंसू आ गए? आंखों में आंसू आ गए इतनी उनको फ्लेवरफुल लगी, एकदम जबरदस्त है। मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे एड्रेस, आपको चाय पीनी रहेगी, क्या है टेस्ट एक नंबर रहेगी, अभी आ जाइए, आ जाओ, चलो बाय टाटा।